अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम ईरान के शहर कुम से जा रहे हैं तेहरान के लिए। हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं। इंशाल्लाह 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर हम तेहरान पहुंच जाएंगे, मुख्तलिफ ज़ियारात भी करेंगे। अली भाई से पूछते हैं वहाँ हमने कौन कौन सी ज़ियारात करनी है। अली भाई, ज़ियारात इसम पांच ज़ियारात हम करेंगे। उसके बाद हमें अली भाई छोड़ के आएंगे ट्रेन स्टेशन पे, क्योंकि वहां से हमने ट्रेन करवाई हुई है मशहद के लिए, और शाम 7 बजे हमारी ट्रेन है। अभी टाइम सुबह के 10 बजे हैं और यहाँ से हम कुम सिटी से निकल चुके हैं। हम तेहरान जाएंगे, 5 ज़ियारात हमें अली भाई करवाएंगे, और उसके बाद शाम 7 बजे हम ट्रेन पे बैठ के तकरीबन 10 से 12-14 घंटे का फासला होगा और हम पहुँच जाएंगे मशहद शहर में। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में हम दिखाएंगे कि तेहरान के अंदर कौन कौन सी ज़ियारात हैं, और थोड़ा सा सिटी सेंटर का टूर भी आपको करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरी आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मुफीद मालूमात मिलेगी। इस वक्त हम सराय ईरानी के पास से गुजर रहे हैं। ये सराय ईरानी बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और पूरे ईरान के हर शहर से लोग इसी मॉल के अंदर से सामान खरीद कर लेकर जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको खालस प्योर हर चीज़ अलग क्वालिटी की मिलती है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जूसर मशीनों से लेकर वॉशिंग मशीनों से लेकर मोटरसाइकिल तक, एसी तक, हर आपको छोटी से लेकर बड़ी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। इसीलिए ये ईरान के अंदर ये सराय ईरान बहुत ही फेमस मॉल है। नाज़रीन इकराम, हम इस मॉल के अंदर गए थे और हमने काफ़ी देर इसको एक्सप्लोर भी किया है, लेकिन मॉल के अंदर वीडियो बनाना मना था, इसीलिए मॉल के अंदर की हम वीडियो नहीं बना। बहरहाल ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद।
इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है। हम तहरान से तकरीबन 30-35 किलोमीटर पीछे हैं। ये इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा जहाज भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे जाने वाला हूँ, फिर आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। तहरान भी बिल्कुल करीब है हमारे, तो ये तहरान से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है। यहाँ से कार की परवाजें जाती है, मतलब यहाँ से फॉरेन कंट्री में ज़्यादा परवाजें जाती हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारे ड्राइवर भाई सीएनजी डलवाने के लिए एक स्टेशन पे खड़े हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ईरान में पेट्रोल सस्ता है फिर भी ये सीएनजी क्यों इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी, ये देखें, ये लंबी लाइन लगी हुई है सीएनजी के लिए। ये इमाम खुमैनी का दरबार है। ये रोड से मैं आपको गाड़ी में बैठकर दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये इमाम खुमैनी का दरबार है। दरबार के अंदर तस्वीर उतारना मना थी, इसलिए अंदर हमने कैमरा ऑन नहीं किया। धूप काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है आपको दरबार जो है वो थोड़ा सा डार्क सा नज़र आए, लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये सामने इमाम खुमैनी का दरबार है जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ये देखिए, ये दरबार है। खुमैनी के दरबार पे हाजिरी दे के, और यहाँ पे हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी थी। जोहर की नमाज़ पढ़ के अभी वापस आ रहे हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा है, वो पीछे आप देख सकते हैं इमाम खुमैनी का दरबार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा वसी रकबा है। बुजुर्ग मज़ार इसको बोलते हैं ईरानी लैंग्वेज में, बहुत खूबसूरत।
खुमैनी का दरबार है। अभी हम यहाँ पे हाजिरी दे चुके हैं और वापस निकलने वाले हैं। यहाँ से हम जाएंगे, होप सो ड्राइवर बता रहा था, बीबी शहर बानो के मज़ार पे हम जाएंगे। फ्रेंड, हम बीबी शहर बानो के मज़ार पे आ चुके हैं। ये देखिए बड़ी बुलंदी पे ये दरबार है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे हमें ड्राइवर अली भाई लेकर आए हैं। ये देखिए अभी ये गाड़ी से बाहर निकलने लगे हैं। तो यहाँ से तो ऑलमोस्ट पूरा शहर नज़र आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, धूप काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा क्लियर नज़र ना आए, मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए हम काफ़ी ज़्यादा बुलंदी पर खड़े हुए हैं, ये पूरा नीचे शहर नज़र आ रहा है और इमाम खुमैनी का मज़ार भी यहाँ से नज़र आ रहा था। ये देखिए ये पहाड़ों के ऊपर वाक़ है काफ़ी बुलंदी पर और ये नीचे सारा शहर मौजूद है, ये सारा शहर है। मे भी आपको वीडियो में क्लियर ना नज़र आए, ये तहरान सिटी पूरा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, ये बीबी शहर बानो के दरबार के पास एक तहखाना सा है, छोटा सा गार सा है, हम इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये देखिए ये छोटा सा दरवाज़ा है, बड़ी मुश्किल से यहाँ से एंट्रेंस हुई है और ये सारा ऊपर हमारे पहाड़ है, पत्थर हैं काफ़ी सख्त। और यहाँ पे ये देखिए ये मज़ार है छोटा सा। बीबी शहर बानो के मज़ार पे आ चुके हैं, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये मज़ार शरीफ है, ये यहाँ से आप ये अंदर वाली साइड पे मज़ार शरीफ बना हुआ है जहाँ से बिल्कुल मुकम्मल लॉक है। और ये मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए ये मज़ार पाक का हिस्सा है मर्दों वाली साइड। मज़ार बीबी शहर बानो के वाला बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह वज़ू के लिए बने हुए हैं। और ये सामने मज़ार है, इसकी ये थोड़ा सा बाहर वाली साइड है। यहाँ से देखिए ये आपको पहाड़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे, बिल्कुल पहाड़ों में वाक़ है। और यहाँ पे ये कोई रोड इन्होंने बनाए हुए हैं, रास्ते खंदक खोदी हुई है। और वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो मुकम्मल तहरान है, तहरान की आबादी है। ये जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से शाइनिंग सी आपको नज़र आएगी, ये सारा मुकम्मल तहरान सिटी आपको नज़र आ रहा है। Thank you.
हम बीबी शहरबानों के मेज़ार पे हाजिरी देकर अब वापस जा रहे हैं। अब हम अगली ज़ियारत पे जाएंगे और अगली ज़ियारत ज़ियारत बाद शब्दुलअज़ीम हसनी शाह हमज़े ताहिर ताहिर इब्न ज़ैनुल आबिदीन तीन ज़ियारत पे हम आगे और मज़ीद जाने लगे हैं। अभी हम तेहरान में बीबी शहरबानों के मेज़ार पे हाजिरी दी है और यहाँ से वापस जा रहे हैं। पहाड़ी एरिया है और यहाँ से हम इतराई की तरफ नीचे जा रहे हैं। यहाँ से पूरा शहर तेहरान नजर आ रहा है और अभी हम आगे मजीद तीन ज़ियारत की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह आपको वो ज़ियारत जरूर दिखाएंगे। इस वक्त हम ज़ियारत करने के बाद बाज़ार में आ चुके हैं। शाह अब्दुल अज़ीम दरबार पे गए थे, शाह हमज़ा का दरबार था और हज़रत ताहर बिन ज़ैनुल आबिदीन का मेज़ार था। उसके बाद हम यहाँ पे एक बाज़ार में दाखिल हो चुके हैं और देखते हैं बाज़ार में क्या क्या चीज़ें हैं, लोग कैसे शॉपिंग कर रहे हैं और यहाँ पर चीज़ें कितनी महंगी हैं। हमने भी कुछ जर्सियाँ ख़रीदनी थी, स्वेटर ख़रीदने थे, तो हम भी बाज़ार को निकल आए हैं। एक हम जोगर वाली शॉप पे आए हैं, यहाँ पे हमने चेक करने हैं कि जोगर कितने के हैं, हो सकता है हम खरीद लें। भाई यहाँ पे शर्ट्स काफी ज्यादा महंगी है।
दोस्तों फाइनली हम ट्रेन पे बैठकर बिजनेस क्लास में हमने ट्रैवल किया था और हम मशहद पहुंच चुके हैं। मशहद बिल्कुल करीब है, आप ये ईरान की ट्रेन देख सकते हैं, बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास ट्रेन थी। आपने हमारा वीलॉग आखिर तक देखा, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। आपको इस वीलॉग में जो भी चीज़ अच्छी लगी है काइंडली कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद आप ये भी बताएं कि क्या आपने तहरान का टूर किया हुआ है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।